मध्य प्रदेश के 6 सरकारी और 5 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से MBBS की पढ़ाई कर रहे मेडिकल स्टूडेंट्स अगले साल होने वाली नीट PG 2023 की परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे। इस साल सेशन लेट होने के बाद MBBS की फाइनल ईयर की परीक्षाएं भी लेट हुई हैं और ऐसे में करीब 1500 मेडिकल स्टूडेंट्स PG की परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे। साल बर्बाद होने की आशंका से छात्र अब चिंतित है। जूनियर डॉक्टर्स ने CM शिवराज सिंह चौहान, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग से इस मामले में मदद की गुहार लगाई है। जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर आकाश सोनी ने बताया कि मध्य प्रदेश के जो मेडिकल कॉलेज, चाहे वो सरकारी हो या फिर प्राइवेट, मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी से संबंध है और ऐसे में उनके फाइनल ईयर के एग्जाम हाल ही में खत्म हुए हैं, जबकि मध्य प्रदेश के 2 प्राइवेट कॉलेज पीपल्स और एलन मेडिकल कॉलेज में 2022 में MBBS की फाइनल ईयर की परीक्षाएं निजी विश्वविद्यालयों से संबंध होने के बावजूद भी समय पर हो गई हैं। पीपल्स और एलन मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स की इंटर्नशिप 2 महीने हो चुकी है, लेकिन सरकारी सिस्टम में ऐसी लापरवाही है कि अभी सिर्फ परीक्षा हो पाई है, कॉपी जांचने के बाद रिजल्ट आने में अभी भी टाइम लगेगा। एक ही राज्य में 2 तरह की व्यवस्थाएं काम कर रही हैं। आपको बता दें कि कोरोना के संकट के पहले अप्रैल में MBBS की फाइनल ईयर की परीक्षाएं पूरी होने के साथ ही इंटर्नशिप भी शुरू हो जाती थी। अगले साल जनवरी 2023 में नीट PG की परीक्षाएं संभावित हैं और ऐसे में जिनकी परीक्षाएं मई जून में हुई हैं, उनकी इंटर्नशिप अगले सत्र के एडमिशन तक पूरी नहीं हो पाएंगी। वहीं कोरोना संकट के पहले मार्च तक इंटर्नशिप पूरी करके नीट PG में सफल हुए छात्रों को PG में दाखिला मिल जाता था। नीट PG 2023 में 1500 छात्रों ने दाखिला ना ले पाने की स्थिति में मध्य प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में PG जूनियर डॉक्टरों का संकट मरीजों के लिए भी परेशानी का सबब बनेगा। वैसे भी मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टर्स की कमी है, जिसके कारण परेशानियां बढ़ रही हैं। पीजी में दाखिले ना हो पाने के कारण प्रदेश की स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी देरी से मिल पाएंगे। वहीं जूनियर डॉक्टर्स का कहना है कि मेडिकल यूनिवर्सिटी ने यदि समय पर एग्जाम करा लिए होते तो छात्रों को पीजी में एडमिशन के वक्त दिक्कतें नहीं आती। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज़।